का पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज 21, हमारे खास बुलेटिन, हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच सच बताइए, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि दवा से ज्यादा किसी डॉक्टर की मुस्कुराहट ने असर किया है? क्योंकि एक डॉक्टर ही ऐसा होता है जो रोते हुए आए हुए को हंसते हुए भेजता है, और एक ऐसी ही मुस्कुराहट और खूबसूरत बनाने का काम कर रही है आज की हमारी खास गेस्ट डॉक्टर शेफाली अरोड़ा जी, जो की पेशे से एक डेंटिस्ट है। मैम, वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप मैम? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल मैम, काफी समय से हम चाह रहे थे शेफाली मैम से बातचीत करने के बारे में, और आज हमें मौका मिला है। तो मैम, हम आज दांतों से जुड़ी काफी सारी जो समस्याएं होती हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम अगर बात करें तो सबसे आपके पास जब कोई पेशेंट आते हैं तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या लेकर आते हैं? मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम उनकी दांतों में बदबू आना, दांतों का हिलना, और खाना खाते हुए दर्द करना, दांत खानों का दर्द करना। तो इस तरह का जो मतलब एक प्रॉब्लम है, इस तरह से आपके पास पेशेंट्स लेकर आते हैं, तो मैम उसको आप क्या उस टाइम पे आप क्या एडवाइस करती हैं उनको? मैं एडवाइस करती हूँ एक्सरे का सबसे पहले तो, ताकि हमें पता चले कि वो कितना खराब हो चुका है, क्या करना चाहिए आगे, क्या उसका हल क्या है। तो एक्सरे करने के बाद हम एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम्स का बता सकते हैं। एक्सरे के बाद ही मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स का जो पता लगाया जा सकता है, तो आपका एक फर्स्ट स्टेप पे जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप ये एडवाइस करते हैं उनको। चलिए मैम, ठीक है। मैम, हम ये जानना चाहेंगे, पीरियोडोंटल करके एक रोग होता है, उससे पेरियोडोंटल, राइट, तो उससे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि दांतों की सड़न की बात करें, मसूड़ों की सूजन की बात करें, खाना चबाने में समस्या आना, दांतों से स्मेल आना यानी बदबू आना, खून आना, ये सब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आए दिन जो लोग होते हैं वो आप सुनते रहते होंगे। तो प्रिकॉशंस के तौर पे पेरियोडोंटल मेन गम्स की प्रॉब्लम ही होती है। तो पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स का मेन जो इलाज है वो दांतों का अच्छे से ब्रश करना है। ओके मैम। तो ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से, मतलब ब्रशिंग टेक्निक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैम थोड़ा एडवाइस कर सकती है कैसे, मतलब कितने देर तक ब्रश करना चाहिए? दो से यही नहीं पता होता है। हाँ, 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना चाहिए, और सर्कुलर मोशन में करना चाहिए, 50% ऑन द गम्स एंड 50% ऑन द रूट। 50% ऑन द गम्स एंड सर्कुलर मोशन, ठीक, बिल्कुल मैम। इसी तरह की और जानकारी हम मैम से लेना चाहेंगे। मैम, दंत, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे देश में, हम ये कह सकते हैं, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि हमारे देश में लोगों को ये बीमारी है कि जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाती हो, किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करते हैं। तो एक दंत चिकित्सक के पास एक आम लोगों को भी कब आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? हर 6 मंथ्स के बाद एक बार डेंटिस्ट के पास आना ही चाहिए। ओके। क्योंकि हर इंसान को क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो और इवन अगर एक छोटा सा बच्चा है तो जब उसके दांत आने लगे तो उसको एक बार विजिट कराना ही चाहिए। तो आप डेंटल विजिट जो होती है वो जब जैसे ही बच्चे को दांत आने लगे तो वो करवा देनी चाहिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो एक नॉर्मल हम लोग है एक एज में, हम हमारे साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आप डॉक्टर के पास, डेंटल डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करा सकते हैं, वो भी जरूरी है। ठीक है मैम, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि लोगों के दांतों में दर्द होता है, और सबसे बड़ी बात है दांत दर्द होने के बाद हिलने लगता है, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून भी आने लगता है, और इन सब चीजों की वजह से लाजमी है कि दर्द काफी बढ़ जाता है। तो उस समय उसको उखड़वा देना, यानी कि मेरा सवाल है कि उसको दांत को निकलवा देना बेटर होता है, या क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से दांत को निकलवाना कोई सलूशन नहीं होता है। मतलब जितना जितने स्ट्रांग हमारे जो दांत रूट्स, जितने स्ट्रांग हमारे ओरिजिनल टीथ रहते हैं, टीथ रहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। तो फिर अगर हम बचा सकते हैं तो हम बचाएंगे ही उसको। हाँ, करवाना कोई सोल्यूशन नहीं है आपका कहने का मतलब। मैम का ये, मैम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले से अगर हम अपने दांतों की देखभाल करें, देखभाल रखें, तो मतलब वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको दांत उखड़वाना यानी आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। कोशिश करना चाहिए कि पहले ही आप प्रिकॉशंस लें। मैम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, डेंटल एक्सरे आ चुका है, तो डेंटल एक्सरे के क्या लाभ है, और कौन कौन सी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो हमारे जो दर्शक है, व्यूअर्स, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है? डेंटल एक्सरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि दांतों में कहाँ तक सड़न पहुँची है, कि अगर वो सड़न
ऊपर तक ही है तो हम उसपे वो फिलिंग कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो वो रूट कैनाल तक जाती है। और टेक्नोलॉजीज हमारे पास सीटी स्कैन आ चुके हैं आजकल, तो वो तो 3D एक्सरेज हैं, उससे तो एकदम डिटेल में हम पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है और कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसका, बहुत पहले से ही बहुत पहले से ही मतलब क्योर करा हमें, जा हाँ पता चल जाता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये एक्सटेंड होती जाएगी, तो हम उससे पहले ही सही कर सही कर सकते, सकते क्योर हैं कर उसको, सकते क्योर कर हैं। सकते हैं। ओके मैम, मैम टीथ क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग क्या होता है हम आपसे जानना चाहेंगे, पॉलिश कब करानी चाहिए, पॉलिश करवाना सेफ है या नहीं है, और कितनी बार करानी चाहिए, सबसे बड़ी बात है कब करानी चाहिए। टीथ क्लीनिंग एकदम सेफ है और हर 6 महीने में आप टीथ क्लीनिंग करा सकते हैं। टीथ क्लीनिंग के बाद पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी ओके है, मैम, बिकॉज जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, उस रफ सरफेस पे अगर आप ब्रशिंग करेंगे यस मैम, तो फिर वो जो आपका अपर अपर है इनामल, वो एक मतलब वो निकलता जाएगा, निकलता तो जाएगा। उसके लिए हम पॉलिशिंग करके उसको एकदम स्मूथ कर देते हैं ताकि आगे कुछ भी ना हो और सेंसिटिविटी हाँ वगैरह ना सेंसिटिविटी वगैरह ना ना हो। हो, क्योंकि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है मैम, सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग कुछ स्पेशली मैम एडवाइस करते हैं, कोई टूथपेस्ट वगैरह मैम, जैसे अगर किसी को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, दांत बहुत नाजुक हो, तो कोई स्पेशल तरह का टूथपेस्ट यूज करना हम चाहिए। टूथपेस्ट कोई रेकमेंड नहीं करते ओके हैं, हम मैम, ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर होगी तो आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रशिंग हाँ टेक्निक, और अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो हम सेंसोडाइन, सेंसोडाइन, ये मैम ने रिकमेंड किया है, मगर मैम की जो प्रायोरिटी है, मैम ने अपने इंटरव्यू में 2 बार बताया कि ब्रशिंग जो टेक्निक होती है, मैम ने जिस तरीके से बताया, 2 से 3 मिनट आप उसको यूज करें, आप उस टेक्निक को फॉलो करें, उससे ही काफी असर पड़ेगा। मैम एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि दांतों की देखभाल में खान पीन का कोई रोल होता है, रोल होता है तो कितना इम्पोर्टेंट होता है। खान पीन का कोई रोल नहीं है, आप आराम से कैसे भी खा सकते हैं, बट उस खाने को अपने टूथपेस्ट स्टिक मत रहने दीजिए, ओके जितना हो सके उसको किसी भी ब्रश से या टूथपिक से जितना हो सके उसको निकालिए, और जी मैम, मतलब उस टाइम पे फ्लॉस वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो कर सक करिए। सो मैम टूथपिक की जैसे आपने बात की, तो टूथपिक यूज करना सेफ होता है क्या? टूथपिक से ज़्यादा हम इंटरडेंटल टूथब्रशेस रिकमेंड करते हैं, ओके वो मैम, ज़्यादा सेफ है और वो यूज़ आप खाने के जस्ट बाद में वो यूज़ कर सकते हैं, जी मैम, और उससे पूरा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो जो इंटरडेंटली स्टिक होते हैं जिसके जी वजह मैम, से केरीज वगैरह होती है, यस वो मैम, सब यस मैम, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व हो उससे। सकते हैं, क्योंकि इंडियंस हमारे, हमने बेसिकली हमने देखा है रेस्टोरेंट वगैरह में ये होता है, टूथपिक वगैरह रहती है, पर जिनको सही टेक्निक नहीं पता होता है वो और ज्यादा घाव कह सकते हैं कर लेते हैं हाँ मसूड़ों में, तो उस घाव से बचने के लिए हम लोग इंटरडेंटल ब्रश यूज जैसे कि करवाते आपने हैं। मैम ने बताया। ओके मैम, ओरल हाइजीन की अगर हम मैम बात करें, तो माउथ वॉश कॉरपोरेट सेक्टर में ज्यादातर यूज करते हैं लोग, माउथ वॉश यूज करना सेफ है, और सही ब्रश का चुनाव जैसे कि आपने बता हाँ ही दिया, तो माउथ वॉश के बारे में हम आप क्या बताएंगे? माउथ वॉश एकदम सेफ है, वो हम मतलब 2 टाइम यूज करना ही चाहिए, दो टाइम, 2 टाइम यूज करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग और एक बार इवनिंग में। और टूथब्रश तो आप अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ओके मैम, हार्ड टूथब्रश हमेशा मतलब इंजरी होने का यस डर मैम, रहता है और इनामल को हटने का डर रहता है उसमें। जैसे कि आपने पहले भी बताया, हाँ ठीक है मैम। तो मैम हम एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल महंगे महंगे टीथ इम्प्लांट होने लग गए हैं, तो लगभग क्या कॉस्ट आ जाता है, जैसे कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है टीथ रिप्लेसमेंट के बारे में, जैसे मैंने आपसे पूछा, तो क्या कॉस्ट, बेसिक एक कॉस्ट कहाँ से शुरू होती है? 25-30 thousand से स्टार्ट होती है कॉस्ट, ओके, और इम्प्लांट ही इम्प्लांट और एक डेंचर भी एक सोल्यूशन हो सकता है वो क्या अगर होता है मैम, अगर थोड़ा सा भी आप बता पाए। हाँ तो इम्प्लांट तो परमानेंट सोल्यूशन है ओके ही, मैम, अगर जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो वी जी कैन मैम, गो फॉर डेंचर। तो डेंचर में हम वो प्लेट बन जाती है दांत की, तो हम वो उधर जिधर भी लगाना हो सकता है वो लगा सकते हैं, अगर 2 या 3 दांत ही मिसिंग है तो हम ब्रिजेस भी कर सकते हैं, ओके मैम, ब्रिज बना के भी उस दांत को कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते, तो हाँ कहने का मतलब है मैम का, ये जिनका अगर बजट थोड़ा सा कम है तो उनके बजट में आ सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है ये। अफोर्ड कर सकते हैं लोग। मैम बस एक मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई ओवरऑल दांतों
को हेल्दी बनाए रखने के लिए कोई टिप देना चाहेंगी आप अपने व्यूअर्स? मैं ओवरऑल दांतों को हेल्दी बनाने के लिए बोलूंगी कि आप अच्छे से ब्रश करें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बार मैम बोल रही है, इसको आप जरूर से नोट कीजिए। और टेक्निक सही होनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने आपका इतना प्रीशियस टाइम हमको दिया। तो ये थी हमारे साथ आज की हमारी खास गेस्ट दंत विशेषज्ञ दंत चिकित्सक डॉक्टर शेफाली अरोड़ा जी, जिन्होंने दंत समस्या से जुड़ी और उनके देखभाल के साथ नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी काफी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको भी काफी फायदा मिलेगा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए डॉक्टर और एक नए टॉपिक के साथ। बने रहे न्यूज 21 के साथ।